हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। इस वीडियो में भी हम बात करने जा रहे हैं स्टार भारत के नए सीरियल सौभाग्यवती भव सीज़न 2 के बारे में। तो शो को स्टार्ट हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 50 एपिसोड्स भी इस शो के कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सीरियल को जो TRP है वो काफ़ी कम मिल रही है स्टार्टिंग से। तो इस सीरियल की प्रॉब्लम नहीं है, स्टार भारत पे हर सीरियल की TRP कम ही होती है, लेकिन यहाँ पर मेकर्स अपना बेस्ट ट्राई करते आए हैं सीरियल की स्टार्टिंग से कि वो फैंस को इंटरेस्टेड रख पाएँ। और शो की कहानी भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट पेस्ड है, पर मैं आपको बता दूं कि आने वाले महीनों में शो ऑफर जाने वाला है और मेकर्स अब आने वाले महीनों में शो की कहानी को रैप अप करने का ट्राई करने वाले हैं, लेकिन कोई एक्चुअल ऑफर वाली डेट अभी चैनल ने इन्फॉर्म नहीं करी है शो की प्रोडक्शन को। हाँ, करणवीर बोहरा ने इस चीज़ को डिनाई करा है, बिकॉज एक्टर्स ऑलवेज पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करते होते कि उनका शो ऑफर जाने वाला है, ज़्यादातर जब तक उनका शूट रैपअप वाला दिन नहीं आता होता या फिर ऑफर के एक्चुअल पास वाला दिन नहीं आता होता। तो अभी के लिए टाइम पड़ा ऑफर जाने को, तो अभी के लिए एक्टर्स इंटरव्यू में यही बोलेंगे कि शो ऑफर नहीं जाने वाला, लेकिन फिर आने वाले महीनों में जब ऑफर जाएगा फिर वो जाकर उस चीज़ को मानेंगे। एनीवेज, ये तो बात रही ऑफर वाली डिबेट के बारे में कि सीरियल ऑफर जाएगा या फिर नहीं आने वाले महीनों में जाएगा ही, लेकिन अब हम सीरियल की करंट वाली स्टोरी लाइन के बारे में बात करें, जहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि सिया मां से निकली विराज डोबरियाल की डॉक्टर की, और इसी करके विराज अब सिया और राघव के घर में घुस रहा है बार बार और कुछ ना कुछ ऐसी छेड़खानियाँ उनकी ज़िंदगी में करता जा रहा है। तो गाइस, अब मेन चीज़ आती है कि आने वाले दिनों में शो की कहानी कैसे बढ़ेगी, बिकॉज दोनों के करेक्टर्स की जो ज़िंदगी है वो क्रॉस रोड्स पर आई हुई है, काफ़ी कनेक्ट हो चुकी है। तो गाइस, मेकर्स अब इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं एक लीप। यहाँ पर हमारे इंडियन टेलीविज़न में तो जब भी मेकर्स के पास कोई भी TRP वगैरह बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो लीप लेकर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर TRP बढ़ने की कोई गुंजाइश है ही नहीं, बिकॉज चैनल स्टार भारत है। लेकिन शो की कहानी को आगे मूव फॉरवर्ड करवाने के लिए मेकर्स एक लीप लेकर आएंगे, यानी कि कुछ टाइम जंप हमें शो में देखने को मिलेगा। तो गाइस, टाइम जंप कितने टाइम का होगा ये तो हमें पता नहीं, लेकिन हाँ इतना पता कि ये जनरेशन लीप नहीं होने वाला दूसरे सीरियल्स जैसे, ये उस टाइप का लीप होगा जो कि कुछ पीरियड टाइम पीरियड का होगा, जिससे कहानी आगे सीरियल की चल पाए और कहानी में हमें नए चेंजेस काफ़ी देखने को मिलेंगे। तो आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में जो भी लीप पर अपडेट होंगे, मैं डेफिनेटली बता दूंगा सीरियल की कहानी में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे लीप के बाद, इन करेक्टर्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा इस लीप से, क्या कोई नई एंट्री होगी या फिर नहीं, क्या नए राज हैं जो कि एक्सप्लोर करेंगे सीरियल के इस सीज़न में। विराज डोबरियाल की डॉटर आ कहाँ से गई, ये भी काफ़ी बड़ा राज है, पता नहीं मेकर्स एक्सप्लेन करेंगे या फिर नहीं, बिकॉज सीज़न 1 में इसकी कोई डॉटर थी नहीं पहली बात, और विराज का जो कैरेक्टर था वो चाहता ही नहीं था कि उसकी बेटी हो, वो हमेशा चाहता था बेटा हो, और जो बेटा यानी कि एक जो बच्चा होने भी वाला था वो पेट में ही मर गया था मिसकैरेज के कारण। तो यहाँ पर डॉटर कहाँ से आ गई जब जानवी मर चुकी है, तो यही सब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं। आई डोंट नो मेकर्स इसका आंसर देंगे या फिर नहीं, या फिर ये रेटकॉन कर रहे हैं, सीज़न 1 को फॉलो नहीं कर रहे प्रॉपरली। तो जो भी है हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा, और लीप के अपडेट्स वगैरह भी आपको देता रहूँगा आने वाले दिनों में जो भी आएंगे। सौभाग्यवती भव सीज़न 2 की सारी अपकमिंग न्यूज़, ट्विस्ट एंड टर्न्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आप कोई भी अपडेट बिल्कुल भी मिस ना करें इस शो का या फिर स्टार भारत का। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।